बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल स्टडीज़ ऑफ क्लास 5, लेक्चर नंबर 11, पेज नंबर 10। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लाइमेट्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे। टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी आल्सो हैव टू स्टडी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्वेंसी। किसी भी जगह के क्लाइमेट की आबोहवा की अच्छी तस्वीर के लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं रेनफॉल के अमाउंट की मकदार को, हवाओं की फ्रीक्वेंसी को और उसकी डायरेक्शन को, वाटर वेपर की मकदार को और हवा को और अदर फैक्टर्स को। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स। क्लाइमेट जो है वो बहुत सी चीज़ों पर असरअंदाज होती है। हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेस। पहाड़ और पहाड़ियाँ जो हैं वो कई जगहों पर बारिश के रुकने का सबब बनती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स टू सम एरियाज। ताकतवर हवाएं बारिश के बादल बनाती हैं। हाई अप इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड, सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड इफ़ इट इज़ इन द माउंटेन। जो जगहें इक्वेटर के क्लोज यानी करीब होती हैं वहाँ पर सर्दी होती है अगर उनमें पहाड़ मौजूद हो। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल। फ्रॉम द मिड टू लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर हैव कॉज्ड अ राइज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स, आबोहवा जो है वो चेंज करती है आबोहवा क्लाइमेटिक पैटर्न्स को किसी भी इलाके में ग्लोबल स्केल पर, और मिड लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इंक्रीज लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ यानी बढ़ता है एटमोसफियर हैव कॉज्ड राइज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन बिकमिंग एविडेंट अराउंड द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये पूरी दुनिया पे असरअंदाज भी होती है। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैव बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सिमर केमिकल एंड मेटल आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ सिमर केमिकल मेटल्स, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं किसकी इंक्रीजिंग में, ग्रीन हाउस की गैसेस की। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो अलाउ करती हैं सनलाइट को किस में से पास करने के लिए, एटमॉस्फेयर में से, एंड रीच द अर्थ सरफेस और ज़मीन के सरफेस पर पहुँचती हैं। सम ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर एज हीट ऑन अर्थ एंड सम ऑफ इट गोज बैक टू वॉर स्पेस। कुछ जो है सनलाइट कैप्चर करती हैं हीट को और ऑन अर्थ ज़मीन से, और कुछ जो है वो बैक टू अर्थ स्पेस में चली जाती है, खला में चल जाती हैं। दिस ट्रैपिंग ऑफ द इनसाइड द एटमोसफियर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ट्रैपिंग ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वन दिस गैसेज आर कैप्ट इन द राइट अमाउंट दे ट्रैप जस्ट इनफ हीट टू कीप द अर्थ वार्म फॉर लाइफ टू सर्वाइव। जब ये गैसेज ट्रैप स्टूडेंट्स जब ये गैसेस कैप करती हैं राइट अमाउंट में, तो ये ट्रैप करती हैं हीट को अर्थ से और वार्म में, और ज़िंदगी को गुजारने, लाइफ टू सर्वाइव। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ कुड बी वेरी चिली विद टेम्परेचर फॉलिंग टू -17। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, मतलब इसके बगैर, इन गैसेस के बगैर, तो ज़मीन का जो स्टूडेंट टेम्परेचर है वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसके अच्छे से रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।